सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो रोहिलखंड विश्वविद्यालय के स्नातक और परा स्नातक दोनों ही कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के जो मेन एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं और सभी स्टूडेंट्स को ये इंतज़ार है कि हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पढ़ने वाला है, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए वो पहले से पता कर लेते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। तो आपको बता दें कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय के मेन एग्ज़ाम की जो सेंटर लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और आपके सभी कॉलेजेस का नाम यहाँ पर दिया गया है और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है वो भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि साइट हैंग करने की वजह से नोटिस इतनी आसानी से खुल नहीं पा रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा नोटिस दिखाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज के कोर्सेज को देख सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके कोर्स से जुड़ी या आपके एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये जो नोटिस है ये आज ही जारी किया गया है और इसमें जो आपके एग्ज़ाम की सेंटर लिस्ट है वो जारी की गई है 9/7/2021, आज ही ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आदर्श महाविद्यालय हरदुआ नवाबगंज बरेली, उसका सेंटर उसी कॉलेज में ही पड़ा है। नारायण कॉलेज सित्रा नवाबगंज बरेली का कॉलेज आदर्श महाविद्यालय में पड़ा है, बरेली कॉलेज का सेंटर बरेली कॉलेज में पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरफ सेंटर नेम दिया गया है, इस तरफ आपके कॉलेज का नाम दिया गया है जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, इसके अलावा यहाँ आपके सेंटर का कोड दिया गया है और यहाँ फिर आपके कॉलेज का कोड दिया गया है और यहाँ पर टोटल काउंट दिए गए हैं कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि बरेली कॉलेज का बरेली कॉलेज में ही सेंटर पड़ा है, लक्ष्यपाल बहादुर का बरेली कॉलेज में सेंटर पड़ा है, सूरज भान का बरेली कॉलेज में सेंटर पड़ा है, ज्योति कॉलेज का बरेली कॉलेज में सेंटर पड़ा है, प्रेम प्रकाश का बरेली कॉलेज, श्री सिद्धि विनायक का बरेली कॉलेज, डॉक्टर राम मोहन लोहिया कॉलेज का भी यहाँ पर राम मोहन लोहिया कॉलेज में ही पढ़ा है। अब सारे बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं तो सबको रीड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉलेज को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहाँ से आप अपने कॉलेज का नाम देख सकते हैं और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका सेंटर कौन से कॉलेज में पड़ा है। मैं आपको ये पूरा नोटिस दिखा देती हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कोर्स का नाम या अपने कॉलेज का नाम देख सकें। तो यहाँ आप देख लीजिए, धीरे धीरे मैं नीचे कर देती हूँ। काफ़ी लंबा नोटिस है ये, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं या आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। जैसे ही आपके एग्ज़ाम या फिर आपके कोर्स से कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत हम आपको सबसे पहले अपडेट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। देख लीजिए आप अपने ये जल्दी जल्दी कौन सा आपका है, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक थे ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।